हेलो गाइज, वेलकम। कैसे बचे? बात करें यार, लास्ट क्लास में रेशियो एनालिसिस में हमने आपको ऑपरेशनल रेशियो बताया था, प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो का सेकेंड टर्म बता दिए थे। आज के क्लास में मैं आपका ऑपरेटिंग रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा, साथ साथ नेट प्रॉफिट रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा। इंपॉर्टेंट होने वाला है चैप्टर, क्लास भी इंटरेस्टिंग होगा, पूरा वीडियो देखिएगा, एग्जाम बेस्ड है। हाँ बच्चों, यह देखिए कि दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे भी लिखा है और आपका ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, एकदम ध्यान से देखिए देखिए। और डिफरेंट टाइप का फॉर्मूला हम आपको बताए थे ना कि ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए दो तरीका का फॉर्मूला लिखाए थे, लास्ट वीडियो को वॉच कर लीजिए जाकर के। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला आपका था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस बटा नेट रेवेन्यू इंटू 100। यहां पे आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहां देखिए, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहां पे कोई इंडिविजुअली करके नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस बराबर, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस बराबर, देखिए टर्म्स को समझिएगा और उससे हम फॉर्मूला को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंस आपका 40,000 का दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपका 20,000 का है, ठीक है। तो यहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस बराबर 40,000 और प्लस 20,000, टोटल आपका 60,000 का हो गया ऑपरेशनल एक्सपेंस। अब यहां पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है दिया हुआ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000 का प्लस 60,000, ऑपरेशनल एक्सपेंस 60,000 आया है ना, बाय नेट रेवेन्यू। नेट रेवेन्यू कैसे निकलता है, हम क्या बताए थे, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दिए, सेल्स को हम लोग रेवेन्यू भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 2,60,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो 2,50,000 आपका आ जाएगा, और इंटू 100, ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2,10,000 और बटा 2,500, काट देंगे 2,100 बटा आपका 84% आ जाएगा, 84%, क्लियर। यह इसका आंसर हो गया, राइट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए दूसरा क्वेश्चन निकालते, ध्यान दीजिए। यहां पे देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोल रहा है, समझिए ध्यान से। बेचा है 6,80,000 में, लेकिन प्रॉफिट कितना शामिल है, 25% शामिल है, हमको 100% कॉस्ट होगा ना, प्रॉफिट 25% ज्यादा है, और सेलिंग एक्सपेंस 1,44,000 का है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 73,000 का, तो ये तो आपका ऑपरेशनल एक्सपेंस का पार्ट हो गया, क्लियर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको हो गया, बस हमको कॉस्ट निकालना है कि कॉस्ट हमारा क्या होगा, क्यों यार, फॉर्मूला तो ऑपरेशनल रेशियो का सेम था ना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो कॉस्ट वहां नहीं दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का दोनों टर्म दिया हुआ है और नेट रेवेन्यू भी हम लोग का दिया हुआ है वहां पे, इंटू 100 तो हो ही जाएगा, तो हम लोग को टर्म से चलना है ना, तो यहाँ पे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पे आपका 125% बराबर 6,80,000 का है ला, देखिए समझिए, 100% हमारा कॉस्ट होता है लेकिन 25% प्रॉफिट ना शामिल हो गया है, तो यह आपका 125% हो गया ना, 100% कॉस्ट तो 25% प्रॉफिट शामिल है, तो 125% बराबर 6,80,000, तो 100% बराबर व्हाट, थोड़ा कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, एग्जाम में अलाउ है, 6,80,000 गुना 100 और डिवाइडेड बाय 125, हम लोग का निकल जाएगा 5,44,000 आ गया, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपका फॉर्मूला जो पहले फॉर्मूला था, तो 5,44,000 प्लस ऑपरेशनल एक्सपेंस में 1,44,000 और 73,000 दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, ऐसे करते 1,44,000
और जोड़ 73,000, दोनों सही होगा ना बच्चा। और बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपका 6,80,000 है, और इनटू 100 इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आ जाएगा 111.91%। क्लियर, यह आपका बन गया क्वेश्चन दो। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यह देखिए दो क्वेश्चन मैंने और लिखा है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करना है, एकदम ध्यान दीजिएगा बना रहे। सबसे पहले यार हम फॉर्मूला लिखेंगे, ऑपरेटिंग रेशियो बराबर, ऑपरेटिंग रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ध्यान रहेगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहां देखिएगा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रेवेन्यू 8 लाख का हुआ है, हमको बता रहा है कि कैश रेवेन्यू इसमें से 2 लाख का है, हमको कैश रेवेन्यू से कोई मतलब नहीं है, 8 लाख का रेवेन्यू टोटल हुआ था। तो यहाँ पे कॉस्ट निकालने के लिए देखिए ध्यान से, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे 20% शामिल है, माइंड में कैलकुलेट कर लीजिए। तो 8 लाख का 20% 1,60,000 होता है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका कितना हो जाएगा, 6,40,000 होगा ना, 8 लाख का 20% 1,60,000, तो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन घटा देंगे 8 लाख में से 1,40,000 घटा देंगे, तो 6 लाख 1,60,000 घटा देंगे तो 6,40,000 आ जाएगा। अब प्लस देखिए ऑपरेशनल एक्सपेंस, जो प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है, जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए खर्चा होता है, एसेट्स का लॉस वाला नहीं होता ऑपरेशनल खर्चा, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस आपका 60,000 दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन 20,000 है, लेकिन लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट या ऑपरेशनल एक्सपेंस या लॉस नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो 60 और 20 कितना हो गया, 80,000 बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख का दिया हुआ है और इनटू 100 कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो यह आपका 90% आ जाएगा, 90%। क्लियर, समझ में आ रहा है, एकदम जैसे बता रहे वैसे राइट डाउन करते चलिए और बनाते चलिए। हाँ बच्चे, दूसरा क्वेश्चन में देखिएगा, ऑपरेटिंग रेशियो 75% दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 40,000 दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न 20,000 दिया हुआ है, और कह रहा है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कॉस्ट ऑफ निकालना है कि कितना का सामान जो बेचे है उसका दाम कितना है। ठीक है, सबसे पहले बना दिया, टाइम टेकन ना हो, वैसे टाइम टेकन हो जाता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाले नेट वाला, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दी, तो 4,80,000 निकल गया। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ, यही था ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला ऑपरेशनल का, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाय नेट रेवेन्यू इनटू 100 था। अब देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हम लोग का निकालना ही है, तो लिख दिए ऑपरेशनल एक्सपेंस 40,000 दिया हुआ था, 40,000 लिख दिए, और बराबर आपके क्वेश्चन में क्या बोला था कि 75% है, तो 75% ऑफ नेट रेवेन्यू, तो नेट रेवेन्यू यहाँ पे मल्टीपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया ऑफ 4,80,000 का। क्लियर, अब यहाँ पे कॉस्ट बराबर, तो 4,80,000 का 75% निकालिएगा ना, तो 3,60,000 आएगा, तो 3,60,000 लिख दिए, और ये 40,000 जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 40,000 माइनस में, तो यहाँ पे 3,20,000 आंसर हो गया। यह आपका ऑपरेटिंग रेशियो का सारा क्वेश्चन, चलिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, बना लीजिएगा। चलते हैं आगे नेट प्रॉफिट रेशियो की तरफ, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, यह देखिए एक क्वेश्चन और यार, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है, ध्यान से बनाएगा। और पता है मैक्सिमम क्वेश्चन देख रहे हैं यार, कितना बड़ा फॉर्मूला फॉर्मूला है, तो संभाल के थोड़ा सा बता के समझा रहा हूँ। देखिए सेल्स दिया हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ था आपका, यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस दिया हुआ था, सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया हुआ था, एक्सीडेंटल लॉसेस दिया हुआ था, इनकम फ्रॉम रेंट दिया हुआ था, कमीशन रिसीव्ड दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपका नेट प्रॉफिट रेशियो बोल दिया कि नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट इनटू 100 बाय नेट सेल्स। अब तीन टर्म हमारे पास, दो टर्म है, नेट प्रॉफिट हमको चाहिए और नेट सेल्स चाहिए। तो नेट प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम को शामिल कर दीजिए। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करते तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा होना चाहिए। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस माइंड में खोलिए, ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम को ऐड करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करेंगे, तो हम लोग का नेट प्रॉफिट निकल जाएगा।
अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका यहाँ पे में क्या क्या दिया हुआ है, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ था, कोई इंटरेस्ट दिया हुआ है तो इंटरेस्ट, एक्सीडेंटल लॉसेस, सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस था। सबको जब सम किए तो हम लोग का 58,000 आया, 58,000 आ गया, यह मैंने लिख दिया। अब अदर इनकम आपका, इनकम फ्रॉम रेंट आपका दिया हुआ था, कमीशन रिसीव दिया हुआ था, अगर कुछ भी और दे देगा ना, जैसे आप डिस्काउंट रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कुछ भी और दे देना, ऐड करते चलेंगे। जरूरी नहीं बच्चे कि हाँ इनकम आपका एक ही है, चाहे खर्चा आपका एक ही है, लिमिटेड है, ये आपको कुछ भी दे सकता है, तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाइएगा आप, उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। क्लियर, तो यहाँ पे आपका 4,500, 4,500 आ गया। नेट प्रॉफिट आपका हम निकाले पहले, तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए देखिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम को जोड़ दिए और एक्सपेंसेस जो था माइनस कर दिए, तो हम लोग का निकल गया 21,500। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 2 लाख का दिया हुआ था, नेट सेल्स ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही बोलते हैं, तो नेट प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 10.75% आपका यह बन गया नेट प्रॉफिट रेशियो का, यह कॉन्सेप्ट है। क्लियर, मैक्सिमम क्वेश्चन आप अपने बुक का बनाएगा, एग्जाम्पल पहले सॉल्व कीजिएगा फिर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बताते, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यह देखिए यहाँ पे रिटर्न ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड निकालना था, ध्यान से एकदम देखिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स दिया हुआ था, ये आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दे सकता है, तो वहां पे ऐड कर देंगे, समझ में आया। बिफोर टैक्स आपका था यहाँ पे 1,40,000 का, 15% लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ था, शेयर होल्डर फंड दिया था, टैक्स रेट 50% था। क्लियर, कह रहा था कैलकुलेट रिटर्न ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड। अब रिटर्न ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला क्या बताए थे, कि आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटू 100 बाई कैपिटल इंप्लॉयड। क्लियर, नो डाउट। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब नेट प्रॉफिट का जो अमाउंट है ना, इंटरेस्ट देने से पहले और टैक्स को देने से पहले क्या है वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बोल रहा था, बट बिफोर टैक्स 1,40,000, लेकिन इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दें, क्योंकि हमको बिफोर इंटरेस्ट भी ना चाहिए, अगर आफ्टर टैक्स भी रहता तो टैक्स को भी ऐड कर देते। क्लियर, तो यहाँ पे 4 लाख का 15%, 60,000 इंटरेस्ट हो रहा था, 60,000 इंटरेस्ट ऐड कर दी, टोटल निकल गया 2 लाख रुपया, जो बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स है। क्लियर, अब यहाँ पे कैपिटल इंप्लॉयड बराबर, कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला देखिए यार, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व, जितना भी मतलब आपका ओनर्स फंड आ गया, साथ साथ बोरोड फंड जो कैपिटल में लगा हुआ है, तो वह सारा आपका आता है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड 2,40,000 का है और लॉन्ग टर्म डेब्ट आपका 4 लाख का था, टोटल कैपिटल इंप्लॉयड 6,40,000 का निकल गया। अब फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला था आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो यह आपका 2 लाख इंटू 100 बाई कैपिटल इंप्लॉयड 6,40,000 निकल गया, 31.25%, यह आपका रिटर्न ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड का भी निकल गया। क्लियर, नेक्स्ट क्लास में आगे बताएंगे, राइट डाउन कर लीजिए बुक का, मैक्सिमम क्वेश्चन बनाए बच्चे, सजेशन यह देंगे कि पहले आप एग्जाम्पल को सॉल्व करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन अर्थात है, तो जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो बनाइए, डाउट हो रहा है टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए माइंड योर ओन सक्सेस, और वहां पे क्वेश्चन का डाउट पूछ सकते हैं आप, किसी भी बुक से बना रहे हो बताया जाएगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए।